लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने इस बार 370 सीटें जीतने का टारगेट रखा। वहीं बीजेपी ने एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ मिलकर के 400 सीटों से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने खुद चुनावी कमान संभाल ली है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले दक्षिण भारत में बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत की। बीजेपी की कोशिश दक्षिण क्षेत्र के 5 राज्यों से अधिक सीट हासिल कर उस मिथक को तोड़ने की है, जिसमें कहा जाता है कि बीजेपी का दबदबा सिर्फ हिंदी पट्टी के राज्यों में है। पीएम मोदी की नजरें तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर है। वहीं पूर्व की अगर बात करें तो पार्टी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है। दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर के केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में बीजेपी की कोई सीट नहीं है और यही कारण है कि पीएम मोदी दक्षिण राज्यों में बड़ी सभाओं को कर रहे हैं। बीजेपी का लक्ष्य अब की बार 400 पार वाला है। खुद पीएम मोदी इशारों में ही बता चुके हैं कि इस बार 2019 का भी रिकॉर्ड टूट सकता है। साल 2019 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें, उससे पहले आपको बता दें कि दक्षिण भारत में 5 राज्य और 2 यूटी छोड़कर के लोकसभा की 131 सीटें हैं। बीजेपी पिछली बार तमिलनाडु में शून्य पर रही, जबकि जयललिता की पार्टी AIDMK से गठबंधन किया गया। पीएम मोदी की कोशिश अब की बार तमिलनाडु से खाता खोलने की है। वैसे ही केरल में भी पिछली बार चुनावी बीजेपी शून्य पर ही ठहर गई, जहां इस बार एक तो धार्मिक आस्था और दूसरे आरएसएस की पैठ के आधार पर बीजेपी अपने लिए संभावनाओं का दरवाजा खटखटा रही है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी शून्य है, लेकिन वहां भी जगन सरकार की नाकामियों और मोदी की कामयाबियों से ही उसे उम्मीद है। लक्षद्वीप में भी पार्टी जीरो पर है, लेकिन यहाँ जो बाजी खेलनी थी प्रधानमंत्री पहले ही खेल चुके हैं। कर्नाटक में बीजेपी ने पिछली बार जरूर शानदार प्रदर्शन किया था और 28 में से 25 सीटें जीती, लेकिन इस बार दिक्कत यह है कि वहां कांग्रेस शानदार तरीके से जीत चुकी है विधानसभा का चुनाव। ऐसे में बीजेपी ने देवगौड़ा की JDS के साथ गठबंधन कर लिया है। पिछले ही दिनों में देवगौड़ा परिवार से पीएम मोदी की मुलाकात भी हुई। तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और BRS दोनों को कांग्रेस ने हरा दिया। BRS को लगता है कि बीजेपी की उभार की वजह से ही उसकी नैया डूबी, तो क्या इस बार कांग्रेस से निपटने के लिए बीजेपी और BRS हाथ मिला सकते हैं? ये एक अहम सवाल है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में बीजेपी को 2019 में एक भी सीट नहीं मिली। इस बार उनके सामने खाता खोलने की चुनौती है। केरल में भी 2019 में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली, यहाँ उससे अब धार्मिक आस्था और RSS से उम्मीद है। आंध्र प्रदेश में भी 2019 में बीजेपी का खाता नहीं खुला। अब जगन रेड्डी की नाकामी और पीएम मोदी की कामयाबी से उसे उम्मीद है। लक्षद्वीप में 2019 में बीजेपी असफल रही। पीएम मोदी इस बार के लिए दाव खेल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी उम्मीदों के किसी भी दरवाजे को बगैर खटखटाए आगे नहीं बढ़ते, इसलिए जिस वाराणसी से वो सांसद हैं उसका तमिलनाडु कनेक्शन भी निकल आया है। तमिल संगमम इसकी बानगी है। दरअसल पीएम मोदी मिशन साउथ पर हैं। लगातार 3 दिनों से कई बैठकें और जनसभाएं करेंगे। 3 दिनों में 5 राज्यों को कवर करेंगे। 17 मार्च आंध्र प्रदेश और केरल होंगे, 18 मार्च कर्नाटक और तमिलनाडु होंगे, 19 मार्च केरल और कर्नाटक में उनकी मौजूदगी होगी। अब आपको साउथ की 131 सीटें अहम क्यों हैं, इस बारे में भी बताते हैं। बीजेपी अगर साउथ में अपना पैर जमाती है और 60 से 70 सीटें जीत लेती है तो 400 वाला टारगेट आसान हो जाएगा। कर्नाटक में NDA का JDS के साथ गठबंधन है। यहाँ पीएम मोदी ने 29 सीटें जीतने की तैयारी कर ली है। वहीं आंध्र प्रदेश में बीजेपी का TDP के साथ गठबंधन है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को लगातार अपना खाता खोलने की चुनौती है। वहीं तेलंगाना में 4 सीटों का आंकड़ा बढ़ाकर के 6 से 7 सीटों पर लाना होगा। और इसके साथ ही बीजेपी केरल और तमिलनाडु में जीत की राह देख रही है। साउथ की 131 सीट आखिर अहम क्यों है, ये भी बड़ा सवाल है। 60 से 70 सीटें जीतेगी तो फिर NDA 400 का टारगेट आसानी से प्राप्त कर पाएगी। बीजेपी का कर्नाटक में JDS में गठबंधन है। गठबंधन के जरिए 29 सीटें जीतने की तैयारी है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का TDP के साथ गठबंधन है। तेलंगाना में जनसेना पार्टी से बीजेपी का गठबंधन है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को खाता खोलने की चुनौती है। तेलंगाना में बीजेपी को जीत का आंकड़ा बढ़ाना होगा। केरल और तमिलनाडु में जीत की राह देख रही है इस वक्त बीजेपी। देश में कुल वोटर्स की संख्या क्या है वो भी आपको बताते हैं। करोड़ों में यह संख्या है। 2024 में 96, 2019 में 91 करोड़, 2014 में 83, 2009 में 72 करोड़, 2004 में 67 करोड़, 1999 में 62 करोड़।
देश में कब कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है उसकी जानकारी भी आपको बता देते हैं। 2019 में 67%, 2014 में 66%, 2009 में 58%, 2004 में 58%, 1999 में 60%। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी पहली बार पहुंच रहे हैं नए गठबंधन के साथ। बीजेपी इस राज्य में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। यहां सबसे पहले बैठक करेंगे। एनडीए की पहली बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू रहेंगे मौजूद, जेएसपी सुप्रीमो पवन कल्याण भी शामिल रहेंगे। 10 साल बाद तीनों दलों की बैठक होगी। बैठक के बाद चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पालनाडु के चिलकतुरी पेटा में जनसभा करेंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे फिर पीएम। प्रदेश में पहली जनसभा का आगाज आज से हो रहा है। आज साउथ दौरे पर थे, तमिलनाडु में उनकी मौजूदगी थी। पीएम ने क्या कुछ वहां पर कहा है शिवमोगा में आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं, इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे आजमाती है। कांग्रेस का पहला हथकंडा है झूठ बोलो, अपने झूठ को ढकने के लिए नए झूठ बोलो। कांग्रेस का तीसरा हथकंडा है जब पकड़े जाओ तो अपनी करतूतों का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ दो। आपको कर्नाटका की 28 की 28 सीटें, ऑल 28 सीट बीजेपी एनडीए को देने के लिए मैं आज आपको प्रार्थना करने आया हूं। आखिर करे 400 सीटें की बात क्यों कर रहे हैं हम? ये 400 सीटें क्यों? विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित कर्नाटका के लिए, विकसित कर्नाटका के लिए, गरीबी कम करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए, आतंक पर प्रहार करने के लिए, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, युवाओं के नए अवसर देने के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी आज कर्नाटक में थी और साउथ को साधने की कोशिश पीएम कर रहे हैं और कुल 131 सीटें, ये साधनी बहुत ज़रूरी है। लगभग नॉर्थ बेल्ट सधा हुआ है, गुंजाइश बहुत कम है यहाँ सीट बढ़ाने की। ऐसे में दक्षिण के लिए को साधना बेहद महत्वपूर्ण है।